Guys, welcome back to another video and another day start with you beautiful people. So आज का हमारा topic है कि engineering के फंडे. तो basically मैं एक engineering student हूँ, तो मेरा जो senior है उससे हम कई बातें निकालने वाले हैं कि engineering में proper ऐसे क्या फंडे होते हैं. तो ये हमारा vlog plus एक Q&A और rapid fire का एक video होने वाला है. तो इस video को end तक देखिए दोस्तों, और अगर आपको ये video पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए. तो Q&A का ये पहला राउंड है. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये भाई कि इंजीनियरिंग में आने से पहले आपको ऐसा लगता था क्या कि आपको मशीन कैसे तैयार करते हैं ये सिखाया जाता होगा? अगर लगता है तो क्या ये सच है? भाई लगता तो बहुत था कि इंजन मशीनें बनाने के लिए सिखाएंगे, मतलब रिपेयर करना सिखाएंगे. ओके. क्योंकि इंटरेस्ट उसमें बहुत था, लेकिन जब मेरी एजुकेशन चालू हुई, या मतलब तुम समझ लो या कि डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक्चुअल नॉलेज और हमें जो पढ़ाया जा रहा था वो थ्योरी नॉलेज, इसमें बहुत डिफरेंस था. इसलिए लोग सोचते हैं कि हाँ उनको इंजीनियरिंग में आने के बाद हाँ मशीनें बनाने के लिए सिखाएंगे, तो वो वैसा नहीं है. वहाँ पे सिर्फ मशीन जिस लॉ पर काम करती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा रहता है, लेकिन जब हम एक्चुअल रियल लाइफ में जाते हैं और मशीनें चेक करके देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमें सिखाया गया था कॉलेज में और यहाँ पे जो मशीन में जो एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस रहता है और प्रिंसिपल जो रहता है वो डिफरेंट रहता है. ओके, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग में जो सिखाया जाता है उससे अलग, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के रियल वर्ल्ड सिनेरियो उससे अलग रहता है. ओके ओके, ऐसा है क्या? भाई मैं जरा जूनियर हूँ, देख मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो अभी सीनियर है मेरा, तो अभी पास आउट होके जा रहा है, तो मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ. तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कम और बाकी का ज्यादा सिखाया जाता है, ऐसा आपको लगता है? क्या लगता है? भाई भाई ऐसा कुछ नहीं कि भाई इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ ज्यादा मतलब बाहर का सिखाया जाता है. अगर बाहर का सिखाया भी जाता होगा तो मतलब वो हेल्पफुल है ना. हाँ हाँ. लेकिन एक जो सिनेरियो रहता है वो क्या कि डिप्लोमा में जब पढ़ाई करते हो, डिप्लोमा में जब लेक्चर चालू करते हैं, तो वहाँ पे क्या बताया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके डिग्री में जाने के बाद क्लियर होंगे. तब आप क्या सोचोगे कि हाँ ये मेरे कॉन्सेप्ट्स अभी डिग्री में जाने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. लेकिन जब आप डिग्री में आते हो तब क्या पता चलता है, तब वो आपके लेक्चरर लोग क्या बोलते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट्स डिप्लोमा में क्लियर हो चुके हैं. तो मतलब वो 30-40% कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द सिलेबस जो रहते हैं ना, तो वो ज्यादातर लोगों के, ज्यादातर स्टूडेंट्स के ना अनक्लियर रहते हैं. ओके ओके. तो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम. तो मेरा एक तीसरा सवाल है जो मेरे ख्याल से सब में, सब लोगों को ये सवाल हमेशा उनके दिमाग में रहता होगा. तो तीसरा ये सवाल है कि इंजीनियरिंग में ज्यादातर स्टूडेंट क्लास बंक करते हैं, उसका कारण क्या है ये मुझे बता देंगे आप? तो बहुत देख भाई देख, इंजीनियरिंग में लेक्चर्स तो मैंने भी बहुत बंक किए, तेरे को पता ही होगा. मेरे को पता है, पूरे साल में मेरा काउंट लेक्चर का 10 के ऊपर तो नहीं गया होगा, और प्रैक्टिकल्स का 2-3. तो मेन जो रीजन रहता है क्लासेस बंक करने का कि जब स्कूल में रहते हो तभी आपको फ्रीडम्स नहीं रहते, आपको रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. अगर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई तू क्या कर रहा है. और ज्यादातर लेक्चरर लोगों का ना क्या होता है कि उनका लेक्चर बोरिंग रहता है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहता, इसलिए उनका लेक्चर बोरिंग होने की वजह से लड़के लोग मतलब स्टूडेंट लोग क्लासेस बंक करने लगते हैं. वहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद उनका ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बनेगा तो बाहर घूमने फिरने का प्लान होगा, मतलब यहाँ वहाँ घूमने का, मूवी जाने का,
ऐसा प्लान रहता है ना उनका, तो क्लासेस बंक करने का मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलेज में जाने के बाद ज्यादा होता है। ओके ओके ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ही हमारा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से एक जो इधर इसके आगे के सवाल है तो वो आप शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे ऐसा मुझे लगता है। ओके ठीक है। तो चौथा सवाल है मेरा कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का एक दिन मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं उनका दिन में स्टडी नहीं होता अच्छे से, रात में होता है, ऐसा क्यों? ये क्या लॉजिक है मेरे ख्याल से? ये कोई लॉजिक नहीं है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लोग मैंने दिन भर क्या करते हैं, मतलब इधर उधर घूमने जाओ, क्लासेस बंक करो, खेलने जाओ, कूदने जाओ, मूवी जाओ, तो बच्चे कौन सी रात रात में ये पढ़ाई करेंगे ना? ओके। तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि भाई रात में अच्छी स्टडी होती है या फिर नाइट आउट मारेंगे, चिल करेंगे, ऐसा। हाँ, रात में नॉइज नहीं रहता, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं रहता ना, तो वहाँ भी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो सकती है ना। ओके ओके ठीक है। तो पांचवा सवाल है मेरा कि एग्जाम के रात पहले की पढ़ाई, मतलब एक रात पहले जब एग्जाम के जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो ऑल क्लियर हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। हाँ, एक रात पहले मतलब पढ़ाई कर लो और ऑल क्लियर हो जाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मतलब एक दिन में पढ़ाई करके भी पास हो जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कौन सा चैप्टर मतलब स्किप करो, ये क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा ना उधर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एक रात पहले पढ़ाई करके ऑल क्लियर हो सकते हो। नहीं, मेरे बहुत से ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे कहा था कि क्या भाई ऐसा पढ़ाई करने में कुछ मतलब नहीं है, और एक रात पहले पढ़ाई करोगे तो मेंटल मतलब मेंटल बर्डन आ जाएगा कि भाई कौन सा चैप्टर करूं और कौन सा स्किप कर दूं। ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सवाल का आंसर आपने बहुत ही अच्छे तरह से दिया है। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि इंजीनियरिंग में आने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट को नशे की लत लग जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देख, नशे की लत से तो मैं भी गुजरा हूँ, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई मैंने क्लासेस बंक कर लिए, मेरा इंटरेस्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी जगह पे है, या किसी लड़की का चक्कर हो सकता है, या किसी ग्रुप वाले का इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब नशे की लत से तो हर कोई गुजरा रहता है, लेकिन उसमें कोई कोई डूबा होएगा, कोई कोई उससे बाहर निकला होएगा, कुछ पता नहीं भाई। ओके ठीक है। तो आपका ये ओवन एक्सपीरियंस है जो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। तो सातवां क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये आपके लिए कि इंजीनियरिंग के किस डिपार्टमेंट कम लड़कियां है और ऐसा क्यों? देख, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और सिविल में ज्यादातर लड़कियां कम ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क रहता है, मतलब सर्विंग करना होता है, चार चार घंटे के प्रैक्टिकल रहते हैं, वर्कशॉप रहते हैं, ये मतलब फिजिकल वर्क होता है ना, वो लड़कियों के लिए मतलब हार्ड रहता है, इसके लिए उनका प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, CSE इधर रहता है। ओके। ओके। तो यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में लड़की पटाना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि एग्जाम में टॉप करना? ये क्या मेरे ख्याल से परफेक्ट क्वेश्चन है तेरे लिए। पहली बात लड़की पटाना भी कोई मुश्किल बात नहीं, और मतलब एग्जाम में टॉप करना कोई मुश्किल भाई हम भाई तेरे लिए मुश्किल बात नहीं, लेकिन हमारे जैसे हमारे लिए कुछ बोल यार, ऐसा मत बोल। अरे लड़की के चक्कर में मत पड़ो यार, लड़की को मतलब उसके सारे डिमांड पूरी करनी पड़ती है, उसके कॉल उठाओ, उसका मैसेज करो, उसको घुमाने ले जाओ, फिर भी अगर किसी बात पे अगर वो अड़ गई तो 2-3 दिन बात नहीं करेगी। ओके। बात नहीं करेगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, नशे की लत में लग जाओगे, इधर उधर घूमते फिरोगे, लेक्चर्स बंक करोगे, इसलिए लड़की का पीछा छोड़ दो और 20-30 झमेले में जो पढ़ने वाले हो ना उससे बच लो। ओके ओके, बहुत ही अच्छा सवाल का आंसर दिया है तूने। ये मेरे ख्याल से मेरे को ये तेरी सलाह है ऐसे, मतलब तूने मुझे सलाह दी है ऐसे मुझे लगता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस समझ लिया ये मेरा, मुझे मालूम है भाई तेरा एक्सपीरियंस, मैं तेरे साथ ही पढ़ा हूँ और तेरे साथ ही मैंने कॉलेज लाइफ अपनी एक्सप्लोर की। तो नौवां क्वेश्चन है मेरे लिए मतलब तुम्हारे लिए सॉरी, सबमिशन के टाइम पर सबसे खराब लगने वाली कौन सी चीज है तेरे को? सबसे खराब लगने वाली मतलब सबमिशन के टाइम पे नो ड्यूज भरना रहता है, वो सबमिशन के 2-3 दिन पहले मतलब एक्स्ट्रा राइटअप दे देते हैं वो।
अगर नोड्यूज कंप्लीट नहीं होगा तो नोड्यूज कंप्लीट करने में लाइन में लग जाओ, इधर उधर इसके साइन घूमते फिरो, इसकी साइन लेते घूमते फिरो, मतलब घूमना बहुत पड़ता है उधर। ये मुझे भी वो मालूम है मुझे भाई, और ये किया है हमने मेरे ख्याल से 2-3 साल किया है। मेरा तो मतलब एवरी सेम का ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ओके, तो 10वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन होगा। तो हॉस्टल लाइफ अच्छी है या घर की, और इस पर तेरा क्या कहना है? देख, हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ दोनों में मतलब डिफरेंस तो है। हॉस्टल लाइफ के अलग एडवांटेज, घर की लाइफ के अलग एडवांटेज। मतलब मैं डिप्लोमा में था वहाँ पे हॉस्टल पे था, अभी इंजीनियरिंग में घर में रहता हूँ, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। अगर पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, अगर फ्यूचर अपना ब्राइट करना है, तो घर की लाइफ सबसे बेहतर। ओके ओके, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने कितनी बार एग्जाम में चीट किया है, और पकड़े जाने के बाद क्या हुआ है, कोई किस्सा शेयर है या मतलब शेयर करना चाहते हो तुम? मतलब चीटिंग तो वैसे ज्यादातर बार नहीं की, 2-3 दिन बार की होगी। मतलब खुद से चीट्स नहीं लेके, मतलब अगर कोई दे रहा हो दूसरा तो ही मैंने लिए, और अभी अगर ली भी होगी तो कभी मतलब पकड़ा नहीं गया। अगर किस्सा सुनाना हो तो मतलब बिल्डिंग कंट्रोलर की उस दिन की मतलब उसकी हालत जो मैंने देखी थी ना, मतलब हंसी मेरे से रुकी नहीं जा रही थी। मतलब वो चेक करने के लिए प्यून को लेके आया, और उसको इतनी चीट्स मिल गई ना कि भाई उसको 50-60 kg की ना एक बोरी भर जाए। इतनी कॉपीज उसको मिल गई, और एक लड़की को चेक किया तो उस लड़की के पास ना 3-4 बुक्स के उसको कॉपीज मिल गए। तो उसने पूछा कि हाँ मैडम, आपके पिताजी की कोई लाइब्रेरी वगैरह है क्या? तो सारे बच्चे हंसने लगे, और फिर से हमने गालियाँ खाई उससे कि बोला कि कैसे नॉनसेंस लड़के हो, कैसे नॉनसेंस स्टूडेंट हो, इस बात पर हंसी आती है क्या तुमको? तो हमने हाथ पे मुंह मतलब मुंह पे हाथ रख रख के हमारे हंसी कंट्रोल जीती उससे। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका वो मेरे ख्याल से। उसके बाद चीट मेरे ख्याल से कभी की नहीं होगी तुमने। तो यहाँ पर हमारे जो 11 क्वेश्चन वो खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर का वो जो राउंड है पहला वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम खेलेंगे एक रैपिड फायर। तो आप इसके लिए तैयार हो? ओके, ठीक है। तो रैपिड फायर में आपको क्या करना है कि एक वर्ड में बताना है उस चीज के बारे में जो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। मतलब मैं एक वर्ड बोलूंगा आपको, तो उससे रिलेटेड आपको एक अच्छी चीज बोलनी है या फिर बुरी चीज, और वो फटाक से बोलनी है क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है, तो आपको फटाफट वो बोलना है। ओके, तो ऐसे 10 वर्ड है, तो मैं पहला वर्ड बोलूंगा लेक्चर। लेक्चर, जबड़े सर। ओके, कैंटीन। घाटगे सर। कॉलेज कट्टा। कॉलेज कट्टा, लड़कियां। प्रैक्टिकल लैब। प्रैक्टिकल लैब, तोड़फोड़ करो। सबमिशन। सबमिशन, इसका उसका पेजेस, मतलब सबमिशन। एक वर्ड भाई, ऐसा नहीं, एक वर्ड। सबमिशन। हेडेक। ओके, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, उसके सामने क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से इसमें एक वर्ड आता है, दिमाग का दही। दिमाग का दही, उसके सामने बोलूं तो क्या बोलूं? वो भी है भाई। तो फ्रेशर्स पार्टी। फ्रेशर्स पार्टी, नई लड़कियां। ओ भाई, दिमाग जीत लिया तूने आज। इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल। क्या बोला? इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल भाई, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग। ओके, किंग ऑफ डिपार्टमेंट। मैकेनिकल। ओ भाई, सुट्टा। अंदुमा। ओ भाई, ओके भाई, समझ में आया मुझे भाई। तो यहाँ पर अच्छी तरह हमारे इंजीनियरिंग फंडे का ये पहला पार्ट यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और दूसरे पार्ट में भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम आपके सामने रखेंगे। और यही दोस्तों का मेरा दूसरे पार्ट में, तो बहुत सी चीजें वहाँ पर हम करेंगे, बहुत से ऐसे गेम्स खेलेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम
अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके भाई, साइन ऑफ।